हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे आप सब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो गए, अपने अपने घरों में खुश हो गए। एंड आई बी वेरी हैप्पी फॉर टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब एंड वेलकम टू डेली व्लॉग हैशटैग नंबर टू। सो टुडे आई हैव सम अपॉइंटमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एट द फर्स्ट विद द डॉक्टर, बिकॉज काफ़ी दिन से मुझे बुखार था जो कि ठीक नहीं हो रहा था। सो माई मदर टोल्ड मी टू गो विजिट द डॉक्टर, सो आई एम गोइंग देयर एंड देन आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। सो आई थॉट टू टेक यू विद मी गाइस बिकॉज इट्स अ डेली व्लॉग। सो सी यू देयर। सो या आई वॉज विद द डॉक्टर एंड ही सेड आई नीड टू टेक मोर रेस्ट बिकॉज जब से मुझे फीवर था तो मैं रेस्ट नहीं ले रही थी, कभी इधर कभी उधर, मतलब बहुत बिजी थी मैं। सो ही सेड कि मुझे प्रॉपर मील लेनी है एंड रेस्ट लेनी है। सो आई बी फाइन। और अब मैं जा रही हूँ अनदर अपॉइंटमेंट पे, उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी घर एंड हम लोग मिलेंगे घर पे बिकॉज आई एम सुपर हंग्री। मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना कि बस हो गई है मेरी, और ऊपर से इतनी गर्मी है और मैं कितनी डम हूँ, मैं ब्लैक पहन के आ गई हूँ। सो या आई सी यू एट होम। आई एम होम एंड माई मदर शी इज़ कुकिंग समथिंग बहुत मज़े का, सो आई शो यू। इस एक मुर्गी है, इसको मुर्गी को हम अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से जज़ब हो सके। ये इस तरह हम कट लगाएंगे, इसको मसाला इसमें अच्छे से जज़ब होगा। जी अब हमारे मुर्गी को कट लग गए हैं, अब इसको हम मसाला लगा के मैरिनेट करेंगे। जी व्यूवर्स, हमें मैचर गया मैरिनेट करने के लिए। 2 टीस्पून चाहिए कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून हल्दी के और 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून गरम मसाला विद धनिया, सूखा धनिया, और 1 टीस्पून चाहिए हमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च,
और 2 स्पून चाहिए हमें नमक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, मैंने 2 चलगे के लिए चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और 2 टीस्पून जो है ये पिसा हुआ ज़ीरा, और उसके बाद हमें चाहिए ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो अपने हिसाब से लें, एक किस्म के लिए या 2 के लिए, मैंने 2 के लिए बनाया तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी। अब हमने ये 2 कप दही ले लिया और उसमें हम ये ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद नमक, नमक के बाद हम लेंगे हल्दी, उसके बाद पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला, उसके बाद हम पिसी हुई लाल मिर्च और उसके बाद ज़ीरा। अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कहीं ज़्यादा और कम ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके योगर्ट में ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। इसको हम मुर्गी को ऐसे लगाएंगे ताकि अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए और हमारा स्पाइसी सा चटका बने। ये जी हमारा इसको मसाला लग गया और हम इसको अब 5-6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको ओवन में स्टीम देंगे। जी व्यूवर्स, अब हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, तो इसको 4-5 घंटे हो गए, अब इसको हम स्टीम करेंगे, ओवन में रखेंगे। ओवन को पहले 10-15 मिनट के लिए आप पहले इसको चला दें ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसको फोलियो करके तो उसमें आप रख दें, मैक्सिमम जो है 45 मिनट तक रखें ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। और सॉरी मुझे बताना भूल गई, ये आप इनको इनकी टांगों को बांध लें ताकि ये भाग ना सके। चलें जी, अब हम आप इसको रखते हैं ओवन में, तो फिर आप सुनते हैं। अब ऐसे ही आपने फोलियो कर लेना ताकि हमारे जो अच्छे से स्टीम बन सके, इसको अच्छे से कवर कर लेना ताकि उसको कहीं से भी इसकी स्टीम निकल ना सके। तो अब हम इसको रखेंगे, मैंने ओवन जो है ना वो पहले ही रेडी कर दिया था, अब हमारा ओवन हो गया रेडी, अब इसको हम रखेंगे इसको रखना कितना टाइम है 45 मिनट 45 मिनट्स के लिए हम इसको ओवन में रख देंगे स्टीम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हम लगाएंगे टाइम, ये हमारे ओवन का टाइम सेट हो गया,
अब हम इसको 45 मिनट के बाद चेक करेंगे। जी अब हमने इसको निकाला है और हम देखते हैं वो कैसा तैयार हुआ है। फिर इसको हम थोड़ा रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये हमारा स्टीम हो गया। अब हम इसको ऑयल डाल के देचकी में थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे। ये अब हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। हमारा ऑयल गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अब 10-15 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। जी व्यूवर्स अभी हमारा फाइनल लुक ये हमारा चरगा हो गया रेडी। अब हम इसको देखिए कैसा सॉफ्टली बना है और क्रिस्पी ये आप देख सकते हैं गरम गरम है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें।